हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन जो है एक गिव अवे कॉन्टेस्ट सीरीज़ के बारे में। तो यहाँ पे आज ये सीरीज़ का पहला वीडियो है और ये जो है एवरी मंथ को मैं रन करूँगा और हर एक वीडियो के अंदर मैं अनाउंस करूँगा कि इसके अंदर क्या क्या गिफ्ट आपको मिलेगी। तो यहाँ पे ये चैनल का स्टार्ट करने का मोटिव यही था मेरा कि डिस्कवर ऑस्ट्रेलिया 101, मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है मैं बजट ट्रैवलिंग जो है करने वाला था और ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग प्लेसेस को एक्सप्लोर करने वाला था। बट यहाँ पे दिक्कत बहुत सारी थी और जब तक मतलब उसमें क्या था कि खर्चा काफ़ी उसमें ज़्यादा लगता था एक बार ट्रैवल करने का और मेरी चैनल के अंदर इतना इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं नहीं बना पाया। मतलब ज़्यादातर जो है नॉर्मल फुटेज ही शूट करके उसको कंपाइल करके जो है मैंने यहाँ पे डाल दिया था। बट अभी भी मैं चाहता हूँ कि अगर ये चैनल जो है थोड़ा सा भी ग्रो हो जाए, एटलीस्ट मोनेटाइजेशन जो है इनेबल हो जाए, तो धीरे धीरे करके मैं जो है ऑस्ट्रेलिया का एक फिर से जो है मतलब लॉकडाउन वहाँ पे भी खुल जाए, मतलब कोरोना का सिचुएशन एक आध साल के अंदर जो है सेटल डाउन हो जाए और ये चैनल भी जो है थोड़ा सा 5,000 सब्सक्राइबर तक पहुँच जाए और मोनेटाइजेशन भी इनेबल हो जाए, तो उसके बाद में मैं आसानी से जो है मतलब फिर से एक बार एक ट्रिप ऑर्गेनाइज़ करूँगा और उसमें अच्छी तरीके से जो है पूरे ऑस्ट्रेलिया को बारी बारी करके जो है दिखाऊँगा। और जब ये मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट किया था उस टाइम पर मुझे ड्राइविंग जो है कार ड्राइविंग इतना अच्छा नहीं आता था, तो अभी जो है मे बी मैं कार ड्राइविंग करके ही जो है कार ड्राइविंग काउच सर्फिंग जैसे ये कंसेप्ट के थ्रू ट्रैवल करूँगा जिससे कि मैक्सिमम जो है पैसा बच सके और ऑस्ट्रेलिया के ऐसे ऐसे जगह जो है हम विजिट कर सके, वहाँ के लोकल लोगों को मिल सके, उनके साथ समय व्यतीत कर सके और बहुत ही बेहतरीन जो है कंटेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम ये कॉन्टेस्ट जो मतलब ये चैनल मैंने 2016-17 में स्टार्ट किया था और अभी तक आप देख सकते हैं बहुत ही कम सब्सक्राइबर है और इसमें भी व्यू भी घटता ही जा रहा है, वॉच टाइम भी अब घटता जा रहा है और आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने इसको अनसब्सक्राइब भी किया है। मैं समझ सकता हूँ कंटेंट अगर क्वालिटी वाला नहीं है तो लोगों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत सपोर्ट आपकी तरफ से जिससे कि फ्यूचर के अंदर जो है बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जो है गिव अवे करने वाला हूँ अभी ये मतलब ये महीने के अंदर गिव अवे करूँगा बहुत ही बेहतरीन जो है मोटिवेशनल एक बुक जो कि रोड ट्रिप नेशन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस के अंदर पूरा एक रोड ट्रिप करती है यंग बच्चों के मतलब बच्चों का सिलेक्शन करके और कैरेवान जो होती है उसके अंदर ये लोग ट्रैवल करते हैं और उसके अंदर जो है बच्चे डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं ड्यूरिंग देयर ट्रैवल, डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों से मिलते हैं, मतलब म्यूजिशियन है या तो फिर रेडियो जॉकी है या तो फिर बिजनेस पीपल है, फार्मर्स हैं, डिफरेंट फील्ड के लोगों से वो मिलते हैं, उनसे सीखते हैं, उनके कैरियर के बारे में जानते हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब बुक है। इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि भाई कैसे ट्रैवल किया जा सकता है, किस तरीके से लोगों को अप्रोच कर सकते हैं ट्रैवलिंग के दरमियान और उनसे जो है मुलाकात कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको ये बुक के अंदर सीखने को मिलेगी। मैं भी यही कंसेप्ट जो इस बुक में सिखाया गया है वही कंसेप्ट के थ्रू ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रैवल करूँगा और उसमें क्या होता है कि अपॉइंटमेंट पूरा लेना पड़ता है अपने ट्रैवलिंग के दरमियान सभी लोगों से और उस हिसाब से जो है मिलते हुए लोगों के साथ इंटरव्यू करते हुए आगे बढ़ना होता है और जब हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं उस टाइम भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है करनी होती है तो वो सब चीज़ें कैसे करनी है ये बुक में आपको सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है आपको ये 850 के आसपास पड़ती है जो कि एक्चुअल में मैंने amazon.com से मंगाई थी जब मेरे उसमें थोड़े बहुत पैसे जमा हुए थे एफिलिएट मार्केटिंग से, तो मुझे ये बुक बहुत ही पसंद थी और इसीलिए जो है मैंने इसको मंगाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बुक को, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानिए, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग बुक है और रोड ट्रिप नेशन जो है उसका इनिशिएटिव क्या है उसको भी आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। 3 जो है यंगस्टर्स ने जो है स्टार्ट किया था अपने कॉलेज के बाद, उनको पता नहीं था कि अब क्या किया जाए, तो फिर उन्होंने साथ में मिलकर अलग अलग जगह को विजिट करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे ये कंसेप्ट को जो है उन्होंने जनरलाइज कर दिया और यूथ के लिए ओपन अप कर दिया। तो ये बुक को जो है मैं गिव अवे करने वाला हूँ बट इसके कुछ शर्तें हैं। यहाँ पर आपको जैसे कि बताइए कि मेरे जो है अभी मोनेटाइजेशन अगर मुझे इनेबल करना है 1000 सब्सक्राइबर मुझे चाहिए जो कि बहुत बड़ा अभी मतलब बहुत पीछे है और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए, तो आपको हेल्प करनी है मुझको ये अचीव करने के लिए ये महीने के अंदर विदाउट स्पामिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम। रियल जो है सब्सक्राइबर्स चाहिए जो कि मेरे वीडियोस को पूरे का पूरा देखें। तो यहाँ पे मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप हर एक वीडियो को रेंडमली देखें, आपको जो भी वीडियो इसमें से ऐसा लगे कि चलो ये देखने जैसा है कुछ देखें तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने मतलब इसमें कोई मैंने कॉमेंट्री नहीं की है बट आपको जो है ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग पार्ट्स को देखने को ज़रूर मिलेगा। इसमें मेरा एक एक वीडियो के अंदर जो है समझ लिए $50-50 का खर्चा हुआ है, तो आप मतलब थोड़ा समझिए कि भाई ये वीडियो की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसको आप ज़रूर से एक बार देखें और देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको एक अगर आप नोटिस करेंगे तो लोग जो है कम दिखेंगे क्योंकि मैं ऐसे ही टाइम पर ट्रैवल कर पाता था जब लोग जो है काम पर गए हों जॉब पर हों
मतलब ज़्यादातर बीच बीच मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है 30,000 बीचीज़ हैं, तो बीच पे कोई होता ही नहीं था ज़्यादातर जब मैं ट्रैवल करता था। और मैंने बहुत कोशिश की लोगों से मिलने की, बट इतना वो पॉसिबल उस टाइम पे नहीं हो पाया था। बट फिर भी जो है आप देख सकते हैं सिडनी के अंदर कुछ कुछ लोग आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिलेड की भी कुछ वीडियोज़ हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैंने ले ओवर टाइम था सिंगापुर में, तो उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि वो लोग एक ट्रिप करवाते हैं हेरिटेज टूर। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगी, मे बी आपको इंटरेस्टिंग लगे तो एक बार इसको ज़रूर देखिएगा। और जो भी आपको वीडियो सही लगे उसको आप देखने की कोशिश कीजिए। और वॉच टाइम मुझे गेन करने में बहुत मदद चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने ग्लेम जो है उसमें कॉन्टेस्ट क्रिएट कर दिया है, तो 30 डेज़ का टाइम है। और इसके लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वहाँ से आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और जो है मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअल में यूट्यूब में पहले मतलब ग्लेम के अंदर ऐसा ऑप्शन आता था कि भाई सब्सक्राइबर भी वो यहाँ से करने देते थे, बट यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी जो है चेंज कर दी है, जिससे कि फेक सब्सक्राइबर जो है मतलब यूट्यूब पे आके स्पामिंग ना करें। तो आप जो है सब्सक्राइबर तो हो ही जाए बट वीडियोज़ को देखें भी, इसीलिए यूट्यूब जो है मेरे सब्सक्राइबर्स को फेक सब्सक्राइबर ना समझे। खाली इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ये तो आपको करना ही है, बट आपको इसमें वॉच टाइम भी देना है, क्योंकि अगर ये थ्रेशोल्ड जो है हमारा ये अगर कंप्लीट नहीं होता है तो फिर ये गिव अवे कॉन्टेस्ट को फिर मैं नेक्स्ट 30 डेज़ में जो है पोस्टपोन कर दूंगा। जब तक ये अचीव नहीं होता है तब तक इसको हम पोस्टपोन करेंगे, और जब ये अचीव हो जाता है तो फिर हम नेक्स्ट गिव अवे कॉन्टेस्ट जो है मतलब और एक मेरे पास बुक है उसको भी मैं गिव अवे करूँगा। इस तरीके से जो हर एक महीने पर अप्रोक्सीमेटली 1 साल तक मैं आपको अलग अलग बुक्स जो है उसको गिफ्ट में गिव अवे में दे दूंगा। तो यहाँ पे आज के वीडियो में बस इतना ही। आप एंजॉय करें अपनी लाइफ को, और धीरे धीरे आप भी जो है अपना ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये बुक के ज़रिए जो है आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से एक्टिव ट्रैवलिंग किया जा सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप ज़रूर से मतलब लेने की कोशिश करें और आप अपने लाइफ में एंजॉय करें। सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।